हेलो 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 हेलो, आ गए आप लोग। यार पिछला हफ्ता बहुत ही बिजी रहा। मैं कहा था ना आप लोगों से, कुछ नया शुरू किया है तो उसमें वक्त लग जाता है, पूरा दिन बिजी रहता हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाया इस वीक तो। लेकिन आप लोगों से तो मिलना ही था संडे को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ आज कुछ डिस्कस कर लिया जाए। एक्चुअली आज मैं आप लोगों को एक सवाल बताने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप में से 90% लोगों को ये सवाल ही पता नहीं है, तो इसका जवाब ढूंढना तो दूर की बात है। आपको लगता है कि आप 80%, 90%, 100% डाइट फॉलो करते हैं, वर्कआउट फॉलो करते हैं, कितना भी बिजी शेड्यूल हो ऑफिस में फिर भी आप टाइम निकाल के आपके ट्रेनर ने जो दिया है, आपने जो कुछ बनाया है वो डाइट, प्रॉपर मील्स लेते हैं, वर्कआउट, कितना भी थकान हो, कितना भी प्रेशर हो काम का, फिर भी वर्कआउट स्किप नहीं करते, कार्डियो स्किप नहीं करते, लेकिन फिर भी साला रिजल्ट नहीं मिलता या फिर जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, जिस तरीके का हमारा एफर्ट है उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर हम थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर हम फिर गूगल में सर्च करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। डाइट में प्रॉपर ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, 5 मील लेता हूँ लेती हूँ या 6 मील लेता हूँ लेती हूँ, वर्कआउट करती हूँ मैं, सब कुछ कार्डियो करती हूँ, एवरीथिंग, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा बुरा लगता है। और हम फिर गूगल में जाते हैं तो हज़ारों लाखों आर्टिकल्स आते हैं जिसमें कुछ लिखा होता है कि जीनेटिक्स एंड ऑल, तो हम ये मान लेते हैं कि शायद मेरे जीनेटिक्स इतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, फास्ट स्लो ही करेंगे, या फिर मेरे पेरेंट्स का कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था उस वजह से मेरा बॉडी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। ये सब हमें गूगल बताता है अगर हम पढ़ते हैं तो, और हम कहीं ना कहीं ये मानने लगते हैं, लेकिन ये हर बार सच नहीं होता। तो क्या आपने सोचा है कि फॉर एग्जांपल आपका डेली रिक्वायरमेंट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 100 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट एंड 40-50 ग्राम फैट। लेकिन हाँ, एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जब भी मैं फैट कहूँगा तो फैट जो होता है वो हेल्दी फैट ऑलिव ऑयल वाला, नट्स में से जो मिलता है, फिश ऑयल, ओमेगा 3, ये वाला फैट की मैं बात करूँगा। ओके हाँ, तो आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 ग्राम फैट, हेल्दी फैट, वो सभी आप ले रहे हैं और आपको लगता है कि मैं ये 2 महीने से 3 महीने से 6 महीने से मेरा जो रिक्वायरमेंट है मेरे गोल के हिसाब से वो मैं सब कुछ लेता हूँ या लेती हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपने क्या ये सोचा कि आपने तो खा लिया पर बॉडी ने एब्जॉर्ब कितना किया? तो आज का सवाल यही है, हम खाते हैं लेकिन बॉडी कितना एब्जॉर्ब करती है ये हम नहीं जानते। हमें लगता है हमने 100 ग्राम प्रोटीन खाया मतलब हो गया, लेकिन नहीं, क्या पता आपका बॉडी 30 ग्राम प्रोटीन ही एब्जॉर्ब करती है तो 70 ग्राम तो वेस्ट हो गया है क्या? नहीं, तो आज का सवाल ही ये है कि हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कितना करती है, 100 में से 50 करती है, 30 ग्राम करती है या 80 ग्राम करती है, अगर 100 ग्राम करती है तो रिजल्ट मिलेगा आपको। जितना ज़्यादा आपका बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, 100 ग्राम प्रोटीन आपने अंदर डाला तो बॉडी ने एक्सेप्ट कितना किया, एब्जॉर्ब कितना किया, उस पर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। तो क्या ये सवाल आपको पता था? अगर हाँ तो आपने जवाब ढूंढा होगा, और अगर नहीं तो आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि हाँ यार बात तो सही है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? खाना तो अंदर गया, अब ये बॉडी का काम है, वो एब्जॉर्ब कम कर रही है तो उसे बढ़ाए कैसे? तो इसी सवाल के जवाब के लिए मैं आया हूँ, तो डोंट वरी, मैं जवाब देने ही आया हूँ। तो चलिए सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ऑलराइट, तो अब आप लोगों को सवाल पता है तो जवाब की तरफ बढ़ते हैं।
तो सबसे पहली बात, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको दिन में कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना फैट लेना है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये क्लियर करने के लिए आपको आपका गोल पता होना चाहिए। तो आपका जो भी गोल है, सिक्स पैक बनाना है, फिट रहना है, या जो है वो मेंटेन करना है, वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, व्हाटएवर आपका जो भी गोल है, उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। इस बारे में डिटेल में हम फिर कभी बात करेंगे। मैं बेसिक आपको बताता हूँ कि आपको मिनिमम कितना प्रोटीन लेना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल आपका वेट 50 किलोग्राम्स है, तो उसका डबल कर दो, 100 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। इसी तरह से कार्ब एंड फैट, हम सिर्फ प्रोटीन को पकड़ के चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट 50 kg है, तो आपको प्रोटीन कितना लेना है, 100 ग्राम। तो दिन का 100 ग्राम प्रोटीन। तो अब हम में से कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, हमें पता चल गया कि दिन का 100 ग्राम प्रोटीन बॉडी में डालना है। तो अब सुबह 9 बजे मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ या निकलता हूँ, शाम को रिटर्न में आना है, लेट हो जाता है, काम ज़्यादा है, तो हमें पता है 100 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो क्यों ना हम एक ही मील में 100 ग्राम प्रोटीन ले लें, या फिर दो मील में ख़त्म करें यार, तो ये गलत है। क्योंकि क्या होगा, आप 100 ग्राम प्रोटीन एक ही साथ ले लेंगे तो बॉडी को एक वक्त में उसका एक लिमिटेशन होता है, उसको उतना ही रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल 20 ग्राम उसका रिक्वायरमेंट है आपका बॉडी का, एक टाइम पे बॉडी इतना ही डाइजेस्ट करेगा, इतना ही एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का वेस्ट। तो ये नहीं करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको आपका जो भी रिक्वायरमेंट है डेली, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम जो हमारा प्रोटीन है, उसको मिनिमम 5 मील में डिवाइड करो, या फिर 6 में भी कर सकते हो, 6 में करते हो तो बेस्ट है, लेकिन कम से कम 5। या फिर अगर आप बहुत बिजी हैं, बराक ओबामा से भी आप बिजी हैं, तो 4 मील तो कर ही लेना भाई बहन, 4 मील तो कर ही लेना, उसमें डिवाइड करो। हम 5 को पकड़ के चलते हैं, बेस्ट है। तो 5 मील में डिवाइड करेंगे तो हर मील में हमको 20 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो 5 मील फ्रिक्वेंटली हमारे बॉडी को प्रोटीन मिलेगा, कार्ब्स मिलेगा, फैट मिलेगा। तो जब बॉडी को ज़रूरत है तब उसको मिलता है, तो अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करेगा, आपके बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, जितना प्रोटीन खा रहे उतना मिलेगा। हेलो सॉरी, एक्चुअली जिम में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अच्छे से बात नहीं हो पाएगी। तो हाँ, सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक का मतलब होता है हमारे गट में जो बैक्टीरियाज होते हैं, तो दो किस्म के हमारे गट में बैक्टीरियाज होते हैं, गुड एंड बैड। तो अगर बैड वाले बढ़ गए, गुड वाले कम हो गए, तो आपका फूड प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हमें गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें प्रोबायोटिक्स लेना पड़ेगा। वो हम दो तरीक़ों से ले सकते हैं, एक है सप्लीमेंट के तौर पर, या फिर दूसरा नेचुरल सोर्सेज हैं लेकिन कम है। तो जो मेन दो नेचुरल सोर्स है, वो एक है उसमें से कर्ड, मतलब दही, और ख़ास करके घर में बनाया हुआ दही है तो उसमें ज़्यादा प्रोबायोटिक्स होते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है केफर। क्या है ये? फर्मेंटेड मिल्क, मतलब दही की तरह ही होता है। इसका स्पेलिंग है KEFIR, ये आप गूगल कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। ये दो चीज़ है, कर्ड और केफर, ये दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, हमें हमारे फूड में प्रोबायोटिक्स बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम जो भी खाते हैं उसका मैक्सिमम बॉडी एब्जॉर्ब करे और हमें उसका बेनिफिट मिले। तो अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। हमारा बॉडी बहुत स्मार्ट होता है, जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट होता है। तो आप दुनिया की कितने भी मुश्किल एक्सरसाइज कर लो या मुश्किल डाइट फॉलो कर लो, कुछ दिनों तक वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद वो उसे एडप्ट कर लेगा। तो ये चेन हमें तोड़नी है, हमें लगातार हमारे प्रोटीन सोर्सेज जो है उसे चेंज करते रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन वेज में हमारे पास है एग, चिकन, मटन, मटन में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। सप्लीमेंट्स की बात करूं तो वे प्रोटीन, केसेन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर वेजिटेरियंस में पनीर, टोफू पनीर,
कॉटेज चीज़ वो सेम ही है, चीज़ सोयाबीन वगैरह वगैरह, मिल्क सोई मिल्क आलमंड मिल्क बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें हमारा जो प्रोटीन सोर्सेस है उसे लगातार चेंज करते रहना चाहिए, कम से कम 4 से 6 अब तो हमें चेंज कर देना चाहिए, वरना क्या होगा हमारा बॉडी उसे अडेप्ट कर लेगा और फिर हम जो उम्मीद करते हैं उतना अच्छे से उसे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और वही हो जाएगी बात। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए, निकालते हैं कुछ ढूंढ के। तो जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़। सिम्बा अभी नींद में से अभी अभी उठा है तो मूड में नहीं है। देखो सिम्बा, हाय बोलो, हाय बोलो सिम्बा। ए, ए